आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 215वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ा ब्रांड जिसके द्वारा धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किया गया है। भगवान चित्रगुप्त को जोकर बताने पर कायस्थ समुदाय भड़कता हुआ दिख रहा है। आपका स्वागत है लिमटी की लालटेन के 215वें एपिसोड में। नमस्ते इंडिया नामक एक ब्रांड के द्वारा अपने विज्ञापन में कायस्थ समुदाय के भगवान चित्रगुप्त को जोकर की संज्ञा दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के द्वारा नमस्ते इंडिया के निर्माता गुरुग्राम के NIF नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के फुल सर्किल कम्युनिकेशन और यूट्यूब ग्रेवियस सेल सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है। दरअसल कंपनी के एक विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त को जोकर के नाम से संबोधित किए जाने पर कायस्थ समुदाय में रोष और असंतोष व्याप्त हो रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये एक विज्ञापन चल रहा है जिस विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त को जोकर की उपमा भी दी गई है, जोकर के नाम से संबोधित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त नोटिस में कंपनी सहित अन्य लोगों को पार्टी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वे हिंदू धर्म से हैं और कायस्थ समुदाय के हैं, हिंदू धर्म के हैं और कायस्थ समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि उनके मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति बहुत सम्मान और आस्था है। वे भारत के संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं एवं सभी धर्म एवं धार्मिक भावनाओं में विश्वास, जितने भी विश्वास हैं उन विश्वासों का सम्मान करने की अपेक्षा सभी से करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हिंदू धर्म में भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके द्वारा लिखित भजन भी प्रकाशित किए गए हैं, उनके द्वारा भजन गाए भी गए हैं, ये बात भी उनके द्वारा बताई गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका दूध उत्पाद नमस्ते इंडिया के नाम से है। इसके अलावा रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नमस्ते इंडिया के दूध के उत्पाद की मार्केटिंग करती है, फुल सर्कल कम्युनिकेशन जो मुंबई की कंपनी है उसके जो एक विज्ञापन एजेंसी है, और नमस्ते इंडिया दुग्ध उत्पादों का विज्ञापन बनाने और अन्य कार्य कर रही है। के अलावा YouTube के एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म, YouTube जो इंटरनेट का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें नमस्ते इंडिया का दुग्ध विज्ञापन जारी किया गया है, सहित भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है। ये बात सुमित कुमार के द्वारा बताई गई। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार ने नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जिस कंपनी का एक नमस्ते इंडिया देशी घी आता है, देशी घी के विज्ञापन, एक विज्ञापन है, विज्ञापन हालांकि कुछ समय पहले जारी हुआ बताया जा रहा है, उस विज्ञापन का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि इस कंपनी में के द्वारा यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं के किरदार को चित्रित किया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यमराज ही मनुष्य के देह त्यागने के उपरांत उनकी आत्मा को, उस मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और भगवान चित्रगुप्त के द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार ही मनुष्यों के कर्म के आधार पर आत्मा के भाग्य का फैसला लिया जाता है।
ये बात पुराणों में भी आपको मिलेगी, धार्मिक मान्यताएं भी हैं इस तरीके की। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये बात भी कही कि विज्ञापन में मिष्ठान पकवान आदि को प्रस्तुत करने पर जो दृष्टांत, जिस दृष्टांत का उपयोग किया गया है वह बहुत ही आपत्तिजनक माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी के द्वारा कंपनी के देशी घी के पकवानों के स्वाद से प्रसन्न होकर यमराज के द्वारा एक वृद्ध महिला को अपने साथ नहीं ले जाया जाता है, जो दृष्टांत मिलता है विज्ञापन में उसके अनुसार। इस तरह किसी भी धार्मिक मान्यताओं का माखौल उड़ाने का अधिकार इस कंपनी को कैसे मिल जाता है, ये सुमित कुमार का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं सुमित कुमार, उनके द्वारा आगे ये बताया गया कि आपत्तिजनक विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त के किरदार को न केवल चित्रित किया गया है वरन उनका नाम भी चित्रगुप्त के रूप में लिया गया है। देखा जाए तो भगवान चित्रगुप्त इस ब्रह्मांड के एक देवता हैं और उन्हीं से कायस्थ समुदाय का उदय हुआ है, ये बात भी आपको पुराणों में और धार्मिक मान्यताओं में मिल जाएंगी। भगवान चित्रगुप्त को न्याय का देवता माना जाता है। इसके अलावा वे भगवान ब्रह्मा के शरीर से निकले हुए माने जाते हैं, भगवान ब्रह्मा के द्वारा न्याय करने के लिए मनुष्य को कर्म के आधार पर उनकी आत्मा के भाग्य का फैसला करने के लिए भगवान चित्रगुप्त को निर्देशित भगवान ब्रह्मा के द्वारा किया गया है, ये मान्यताएं भी आपको पुराणों में मिल जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार ने आगे कहा कि यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि उनके सहित सभी हिंदुओं के हिंदू, जितने भी हिंदू हैं वो अपने पूज्य भगवान का बहुत सम्मान करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, अचूक पवित्र और मनुष्यों के सभी दोषों से ऊपर माने गए। संपूर्ण ब्रह्मांड सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर है और सर्वशक्तिमान की इच्छा के बिना एक रत्ती भी कोई कार्य संभव नहीं है। ईश्वर की कभी तुलना नहीं की जा सकती है और ना ही मनुष्य के बराबर होना, लालच सहित दोषों से आकर्षित करना और कोई शब्द जो ईश्वर के चरित्र को नीचा दिखाए और बदनाम कर सकता है उसे दुनिया में किसी को भी उपयोग करने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार ने आगे कहा कि नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये विज्ञापन दिखाया जा रहा है जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को नीचा दिखाने, उसका अपमान करने का प्रयास माना जा सकता है। इस विज्ञापन में शायद ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में मनुष्य जैसे दोष हैं। माफ कीजिएगा। और नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादों के प्रलोभन का शिकार वे हो रहे हैं। आप विज्ञापन देखेंगे तो आपको भी यही बात समझ में आएगी। इस विज्ञापन से तो यही प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर को भी रिश्वत दी जा सकती है और अपनी आयु आप लंबी कर सकते हैं, क्योंकि एक वृद्धा के द्वारा मृत्यु के देवता यमराज के साथ यही करते हुए दिखाया गया है। इस विज्ञापन से यह प्रतीत होता है कि नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादों को पाने और चखने के लिए ईश्वरी कार्य छोड़े भी जा सकते हैं, न्याय में चूक भी हो सकती है, गंभीर विषय है। इस तरीके से किसी को भी धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुमित कुमार ने आगे कहा कि नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पाद के विज्ञापन में भगवान चित्रगुप्त को
जोकर की संज्ञा दी जा रही है, उन्हें जोकर कहकर संबोधित किया जा रहा है, क्या यह उचित है? हमारी नजरों में तो कतई उचित नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के द्वारा आगे ये बात भी कही गई है कि नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लाभ कमाने के लिए शरारत भरा काम किया जा रहा है और इस कंपनी को यह अख्तियार किसने दिया कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को चित्रित करने की दृष्टता वो कर सके, यहां तक कि भगवान को जोकर कहकर भी संबोधित किया जाए। फैसला आप करिए। सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले सुमित कुमार वे आगे कहते हैं, नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूंकि अमूल और मदर डेयरी जैसी नामी गिरामी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती है, इसलिए इस कंपनी के द्वारा, नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा हिंदुओं की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाकर भगवान को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और नमस्ते इंडिया सहित अन्य लोग भी इसी तरीके का कुत्सित प्रयास करते हैं, ऐसा उनका कहना है। नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की चाल चलकर क्या साबित करना चाहते हैं? सुमित कुमार ने आगे कहा कि भारत सरकार के जिम्मेदार विभागों को चाहिए कि इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक मंच से हटाने की कार्रवाई की जाए और जो जिसके द्वारा भी ऐसा काम किया गया उसे दंड दिया जाए ताकि भविष्य में ये नजीर बन सके और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है की है, जो बताया है आपको भी लगभग कमोबेश इसी तरह का महसूस हो सकता है। लिमटी की लालटेन के 215वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित की जा रही है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर 2 बजे के बाद कभी भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन का 216वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।